बोलने से जैसे वो लोग आ रहे के एतराज है, जैसे ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अगर वो नफा नुकसान नहीं करते तो इतने सारे लोग जाते हैं तो उनकी मुरादें तो पूरी हो रही है जी। आप ये बताइए, यही उनका सवाल है। जी। ये आप कैसे कंफर्म बता सकते हैं कि उनकी मुरादें वही पूरी कर रहे हैं ख्वाजा जी? ये तो बरेलवी मुफ्ती बोले ना शेख कि इतने लोग जा रहे हैं वहां से बेटा बेटी मिल रहा है। मेरे भाई यही तो शैतान का हरबा है, शैतान आपको वहां ले जाता है, आपके मुकद्दर में जो लिखा है वो चीज आपको मिलने वाली है, वो मिलेगी, आप वहां नहीं भी जाते तो वो चीज आपको मिलती। कोई आदमी औलाद मांगने जाता है, अब उसके मुकद्दर में औलाद पहले से लिखी हुई है, वो नहीं भी जाता तो उसे मिलती, ऐसा नहीं है कि ख्वाजा ने दिया है उसको। और ये शिर्क का, ये शिर्क का आला तरीन दर्जा है। अगर किसी इंसान ने ऐसा अकीदा रखा या ऐसा काम किया और तौबा किए बगैर उसकी मौत हो गई तो आप यकीन जाने कि ऐसे इंसान की बख्शिश नहीं होगी, अल्लाह ताला का वादा है। तो ये शैतान का हरबा है, आपको ले जाता है। और ये ख्वाजा ही क्यों, क्या आप छोटे मोटे जो पीर फकीर होते हैं बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं, अब पता चला कि कोई चीज उनको कोई उनकी ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश पूरी हो गई, अब वो ये समझते हैं कि फला पीर ने फला फकीर ने उनकी ख्वाहिश पूरी की है, जबकि वो चीज पहले से होने वाली थी जी। वो चीज पहले से होने वाली थी, वो नहीं भी जाता तब भी वो चीज उसको मिलती जी। तो ये शैतान का एक हरबा है इंसानों को शिर्क में मुब्तला करने का।